नमस्कार, डेली न्यूज 360 में पेश है नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल वह नागरिकता अधिनियम 1955 में कोई संशोधन नहीं करने जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से नागरिकता संशोधन बिल 2016 संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं किया जा सका। इसके साथ ही असम में भाजपा के सहयोगी असम गण परिषद ने धमकी दी है कि अगर नागरिकता संशोधन बिल पारित किया गया तो सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। और यही कारण है कि असम गण परिषद के प्रतिनिधि ने शनिवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि फिलहाल यह बिल पारित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, असम समझौते के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, 24 मार्च 1971 के बाद असम में आया है तो उसे अवैध माना जाएगा। ऐसे में 1971 के बाद असम आए हिंदू बांग्लादेशियों को भी अवैध प्रवासी माना जाता है। भाजपा की मांग है कि इन लोगों के नाम ड्राफ्ट NRC में शामिल किए जाए, जबकि इनके पास वैध दस्तावेज नहीं है।